स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में आज हम थर्मोडाइनमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे नेक्स्ट स्टार्ट विद थर्मल एनर्जी रिजर्वयर थर्मल एनर्जी रिजर्वयर इज अ लार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी इसका मतलब है कि इसमें हम चाहे हीट दें या इससे कुछ हीट निकालें इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा अगर मान लीजिए Q इक्व टू हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकाली क्यों इक्व होता है एम सी डेल्टा टी अगर हमने हीट निकाली तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होना चाहिए यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि डेल्टा टी इक्व टू जीरो है क्यू बाई एम सी इसका मतलब सी इनफाइनाइट होना चाहिए यानी हीट कैपेसिटी इसकी इनफाइनाइट होना चाहिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है बट लार्ज बॉडी में हम इतना कंसिडर कर सकते हैं लेट्स मूव ऑन टू हीट इंजन हीट इंजन क्या है हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस नेट वर्क इन अ थर्मोडाइनमिक साइकिल बाई एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ हीट सोर्स इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई थर्मल रिजर्वायर है यानी हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वयर में यहाँ से हीट निकालता हूँ और कुछ वर्क करता हूँ इस प्रोसेस में कुछ हीट लॉस होता है Q2 टू अमाउंट ऑफ हीट लॉस होता है जो कि सिंक में जाता है तो इसका जो मेन पर्पज़ है मेन पर्पज़ है इसका वर्क देना यानि वर्क प्रोड्यूस करना हीट यहाँ से एब्जॉर्व करता है और ये वर्क डन करता है अगर हम निकालें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होगा एफिशिएंसी होगा इसका हमारा डिजायर्ड क्वांटिटी डिजायर्ड हमारा क्या है वर्क है हमको वर्क चाहिए तो ये मेरा डिजायर्ड प्रॉपर्टी हो गया और मैं एफर्ट्स क्या लगा रहा हूँ यानी क्या इसमें यूज हो रहा है एनर्जी क्या यूज हो रही है वो है हीट क्यूबन अमाउंट ऑफ हीट इज गेटिंग यूज इसका मतलब जो एफिशियंसी होगा वो होगा हमारा डब्ल्यू बाई क्यूबन और W क्या होगा W होगा Q1 वन माइनस क्यू इसीलिए हमारा जो एफिशिएंसी होगा वो हो जाएगा Q1 वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू अगर इसको हम रिवर्सिबल साइकिल माने रिवर्सिबल साइकिल में Q इक्व टू या Q हमारा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है इसीलिए इन रिवर्सिबल साइकिल अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो Q की जगह T पुट कर सकते हैं T1 वन माइनस टी टू बाई टी नेक्स्ट डिवाइस इज हीट पंप हीट पंप हीट इंजन का जस्ट अपोजिट होता है हीट इंजन में हम हीट लेते हैं और उससे वर्क प्रोड्यूस करते हैं और अगर हम बात करें हीट पंप की तो यहाँ पे हम यहाँ हम हीट को क्या करते हैं ऐड करते हैं किसी हॉट बॉडी में यानी हाई टेम्परेचर बॉडी में उसके में हम प्रोसेस में हमको वर्क करना पड़ता है डबल अमाउंट ऑफ हमको वर्क करना पड़ता है और यहाँ क्यूबन अमाउंट ऑफ हीट एडिशन होता है और क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट हम लो टेम्परेचर बॉडी से लेते हैं अगर हम इस प्रोसेस में कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना चाहें तो कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टी डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमको यहाँ इसी बॉडी में टेम्परेचर उसका बढ़ाना है या मेंटेन करना है यानी हॉट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो मुझे क्या है हीट ऐड करना है तो हीट एडिशन ये मेरी डिजायर्ड प्रॉपर्टी है इसीलिए जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी है उसको मैं ऊपर लिखूंगा और मैं क्या एफर्ट्स कर रहा हूं मैं वर्क दे रहा हूं तो वर्क क्या है मेरा एफर्ट है इसीलिए वर्क आएगा नीचे ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा Q1 वन अपॉन डब्ल्यू और यहां W को हम लिख सकते हैं Q1 वन माइनस इस तरीके से हम अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिवर्सिबल केस में क्या होगा जो हीट है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी और यहाँ हम क्यू की जगह टेम्परेचर रिप्लेस कर सकते हैं इसीलिए सी हो जाएगा रिवर्सिबल केस में टी वन अपॉन टी वन माइनस टी टू नाउ लेट्स मूव ऑन टू रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर हीट पंप के एग्जैक्टली सिमिलर होता है बस दोनों में अंतर क्या होता है डिजायर्ड प्रॉपर्टी का डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमारी दोनों में अलग अलग होती है हीट पंप के केस में हीट एडिशन हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है और रेफ्रिजरेटर के केस में हीट को निकालना यानी एक्सट्रैक्ट करना हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है हम क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर में जैसे कि ये कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट है मेरा ये लो टेम्परेचर कंपार्टमेंट पर जैसे फ्रिज में होता है फ्रिज में हम क्या करते हैं लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं फ्रिज से हीट निकाल के हम सराउंडिंग में देते हैं इस प्रोसेस में कुछ वर्क करना पड़ता है यानी हम पावर इनपुट देते हैं अगर हम बात करें कॉफी ऑफ परफॉर्मेंस की तो क्या होगा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया डिजायर्ड प्रॉपर्टी अपॉन एफर्ट्स तो डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से जो हीट निकल रही है कितना अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है तो क्यू निकल रहा है और मैं एफर्ट्स कितना कर रहा हूँ डब्ल्यू अमाउंट ऑफ एफर्ट्स कर रहा हूँ तो इसीलिए मेरा कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा Q2 टू बाई और मैं W को लिख सकता हूँ Q1 वन माइनस अगर मैं बात करूँ रिवर्सिबल प्रोसेस की रिवर्सिबल प्रोसेस में मैं Q को टेम्परेचर से रिप्लेस कर सकता हूँ इसीलिए हमारा कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा टी टू बाई टी अगर हम बात करें इन दोनों के डिफरेंस की कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन हीट पंप एंड कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन रेफ्रिजरेटर उस केस में आ रहा था Q1 वन बाई क्यू वन माइनस और रेफ्रिजरेटर के केस में आ रहा है Q2 टू बाई क्यू वन माइनस तो यहाँ से आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस आ रहा है वन का यानी कॉफी ऑफ हीट पंप क्या होता है कॉफी ऑफ रेफ्रिजरेटर से एक ज़्यादा होता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग